हेलो डिफेंस एस्पिरेंट जय जगन्नाथ। और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप फ्यूचर में आर्मी फार्मासिस्ट या फिर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट बनने जा रहे हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी पेंशन सिस्टम के बारे में। अगर आपको अग्निवीर के बाद जो पेंशन सिस्टम है, चाहे टेक्निकल हो, क्लर्क हो, बाकी ट्रेड्स में आप जा रहे हो, अगर उसकी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर लेना, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। आपको बता दूंगा आपको कितनी पेमेंट मिलेगा कितनी साल के बाद, और अग्निवीर से परमानेंट हो गए उसके बाद कितने साल सर्विस करना है, फिर कैसे जाओगे, वो सारी चीज़ बता दूंगा। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट और फार्मासिस्ट, क्योंकि ये रेगुलर कैडर है, एज पर बिफोर है, इसके हम बात करेंगे। तो कितना पेंशन मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट, रैंक वाइज कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या है समझना पड़ेगा कि इंडियन आर्मी में रैंक कितने होते हैं, कितने साल में कौन सी रैंक मिलता है और कौन से रैंक को कितने पैसा मिलता है। देखिए, इंडियन आर्मी में शुरू होता है, पहला रैंक होता है सिपाही रैंक होता है, फिर नायक बनते हैं आप और फिर हवलदार, ये होते हैं आपके अदर रैंक्स, दैट मींस ओआर बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? ओआर, याद रखना, ट्रेनिंग सेंटर में काम आएगा। इनको क्या बोलते हैं? ओआर, इनको अदर रैंक्स बोलते हैं। फिर यहाँ से आपकी जैसे जैसे सर्विस बढ़ता है, आपकी क्वालिफिकेशन अच्छा रहता है, आपकी सारी चीज़ ठीक ठाक रहता है, तो आपको जेसीओ बनाया जाता है। जेसीओ मतलब जूनियर कमीशन ऑफिसर, ठीक है। तो जेसीओ में क्या क्या रैंक होता है? नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ये तीन रैंक होता है। तो टोटली छह रैंक होता है, उसके बाद भी दो रैंक आपको मिलता है, डेट मीन्स ओनली लेफ्टिनेंट और ओनली कैप्टन, वो बात अलग है, ठीक है, छोड़ दीजिए उसको, एक्सेप्शनल केस है। तो इन छह रैंक में हम देखेंगे। देखिए, जो सिपाही का सर्विस माना जाता है ना, सिपाही का सर्विस माना जाता है 17 साल तक। कितने साल तक? 17 साल तक। लेकिन ये नहीं कि आप 17 साल तक सिपाही रहते हो उसमें, ऐसा नहीं। अगर कोई बंदे को प्रमोशन नहीं मिला एक्सेप्शनल केस में, 17 साल उस सिपाही में नौकरी करता है, तो उसकी पेमेंट आज की डेट में कुछ 60 से लेकर 65 हज़ार बनता है, ठीक है। तो पेमेंट जो आपकी बनेगा, जो पेंशन बनेगा, मैं ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाऊंगा कि ये मिलेगा वो मिलेगा, मैं टोटली आपको अमाउंट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो लगभग 45% ऑफ योर पेमेंट आपकी मिल जाते हैं आपको आपकी रिटायरमेंट के बाद पेंशन में। लाइक कि सिपाही का जैसे पेमेंट हम 60 हज़ार लेके चलेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इसकी जो आधा होगा 30 हज़ार। अगर आप 17 साल नौकरी करके आज की डेट में यानी 2024 जनवरी में या फिर 2025 तक जाओगे, तो 30 हज़ार आपकी पेमेंट बनेगा। कितना बनेगा दोस्तों? 30 हज़ार। इसके साथ जो अदर फैसिलिटीज है, CSD, मेडिकल, ECHS, बहुत सारे फैसिलिटीज, वो आपको मिलेगा क्योंकि आप एक रेगुलर कैडर में आ रहे हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आप नायक रैंक में गए, ठीक है, तो नायक रैंक में लगभग पेमेंट होता है आपकी 22 साल में बनते हैं, नायक का माना जाता है कलर सर्विस 22, सिपाही का 17, हवलदार का 24, ठीक है। तो इस कलर सर्विस में अगर आप गए 22 साल नौकरी करके नायक रैंक में आप जा रहे हो, तो इसका पेमेंट आपको लगभग यहाँ पर आपकी पेमेंट देखने के लिए मिलेगा कुछ 70,000 के आसपास, 70,000 के आसपास, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, आपकी जो पेमेंट बनेगा वो 35,000 के आसपास बनेगा। कितना बनेगा? 35,000 आपके अकाउंट में हर महीना आएगा 15 साल के बाद, ठीक है। 15 साल में नर्सिंग असिस्टेंट फार्मासिस्ट बन जाते हैं नायक, ठीक है, आपके 15 साल में इतना पेंशन आ जाएगा 35,000, ठीक है। उसके बाद हवलदार भी आप लोग 10-12 साल में बन जाते हैं, लेकिन हवलदार का जो एक्सटेंडेड सर्विस है वो है 24 साल तक हवलदार बनते हैं किसी किसी ट्रेड में। तो इसलिए इसकी जो पेमेंट होता है 75,000 के आसपास होता है, ठीक है, 75,000 के आसपास होता है। तो इसकी जो पेमेंट बनेगा आपकी, जो यहाँ बनेगा आपके 38,000 या 40,000 के आसपास आपकी पेंशन बन जाएगा एक हवलदार की, ठीक है। 38-37 मान लीजिए एग्जैक्ट ये नंबर है, ठीक है। ये हो गया आपकी ओआर रैंक खत्म हो गया। अब आ जाते हैं अगर मान लीजिए जेसीओ रैंक, जेसीओ पहचान हो गया कैसे, जो ओआर रैंक होता है उनकी जो राइट साइड कंधों पर ऐसे एक फीती रहता है, दो फीती रहता है, तीन फीती रहता है, जिसका नहीं रहता वो है सिपाही, जिसका रहता है एक फीती लेस नायक, जिसका दो फीती ऐसे रहता है नायक, जिसका तीन फीती रहता है उसको बोलते हैं हवलदार, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अभी आते हैं जेसीओ रैंक में, ठीक है। जेसीओ यानी इसको बोलते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर। और जो डायरेक्ट NDA, FCAT या फिर सॉरी CDS वगैरह से भर्ती होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कमीशन ऑफिसर, ठीक है, उनको जूनियर कमीशन ऑफिसर नहीं बोलते। ये इनके नीचे ही, जो ऑफिसर के नीचे ये आते हैं जेसीओ। इनके तीन रैंक होता है, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर। नायब सूबेदार का पेमेंट लगभग 80,000 होता है, सूबेदार का पेमेंट लगभग 85,000 के आसपास होता है, और सूबेदार मेजर का 90 से लेकर 1 लाख तक बनता है, ठीक है। ये इतना इनका पेमेंट बनता है आज की डेट में। नायब सूबेदार को कैसे पहचानोगे? उनकी कंधों पे देखना, एक ही स्टार होगा लेफ्ट साइड में, एक ही स्टार राइट साइड में होगा, साथ में एक ऐसा चिंदी होगा ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, ऐसे पता चल जाता है कि एक जेसीओ है। सूबेदार कैसे पहचानोगे? ऐसे 2 स्टार्स होंगे और इस तरफ 2 स्टार्स होंगे, ठीक है, और एक चिंदी होगा ऐसे। तो ये हो गया आपकी सूबेदार। और सूबेदार मेजर को कैसे पहचानोगे? अशोक स्तंभ होगा यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक अशोक स्तंभ यहाँ पर, चिंदी होगा ऐसे। तो ये पता चल जाता है कि जेसीओ रैंक का सूबेदार मेजर है, ठीक है। तो नायब सूबेदार का जो पेमेंट बनता है 80,000, तो इसकी जो पेमेंट बनता है आपकी क्या बोलता है इसका 40,000 के आसपास। आप नायब सूबेदार कब बनते हो? कम से कम लगभग आपकी जब 22-23 साल 24 साल, एक्चुअली में जो लास्ट एज है नायब सूबेदार बनने का वो है 26 साल। कितना? 26 ईयर अगर आप सर्व करते हैं तो आपकी पेमेंट लगभग 80,000 के आसपास होता है, और उसमें आपको पेंशन मिल जाता है 40,000, समझ गए। उसके बाद आपका अगर सही रहा, आपने टेस्ट पास किया, JLPT टेस्ट होता है, उसके बाद सूबेदार बनते हो,
देखिए हवलदार से लेके जेसीओ तक ना एक टेस्ट होता है, उसको क्लियर करना होता है, जिसको बोलते हैं हम जेसीओ कैडियर टेस्ट बोलते हैं, जेसीओ कैडियर टेस्ट, जिसमें 13 टेस्ट होता है, फौज के बारे में पूछता है, ठीक है। और उसके बाद जेसीओ में नायब सूबेदार बन गए, नायब सूबेदार फिर सूबेदार बन गए, सूबेदार में कितना पेमेंट बताया मैंने, 85,000 से 90,000 के अंदर बनेगा, 85 से 90, तो इसकी जो पेमेंट आपकी बनेगा वो 45,000 के आसपास आपकी हर महीना पेमेंट बनेगा, कितनी 45। और सूबेदार बनने की लास्ट एज क्या है आपकी सर्विस का, 28 ईयर्स तक सूबेदार बन जाते हैं, 28 ईयर्स सर्विस, आपकी एज नहीं, 20 ईयर्स ऑफ सर्विस, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है सूबेदार मेजर, ये आपकी लास्ट रैंक होता है, यहाँ पर पेमेंट आपके 90 या फिर 1,00,000 तक भी पहुँच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो पेमेंट बनेगा 50,000। तो अगर मैं मैक्सिमम बात करूँ कि आपको एक जैसे आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट या फिर फार्मासिस्ट में जा रहा हो, मिनिमम आपको कितना मिल रहा है 30,000, मैक्सिमम 50,000, क्लियर। 30,000 सिपाही को मिल रहा है, 50,000 सूबेदार मेजर को मिल रहा है। अब डिपेंड करेगा सूबेदार मेजर आप होते होते 28-29 साल लग जाते हैं और 32 ईयर्स का सर्विस होता है, ठीक है। 32 ईयर्स के बाद आप रिटायर हो जाते हो। अगर आप कंप्लीट नौकरी करके जाते हो तो 50,000 के पास आसपास आपकी पेंशन बनेगा। अगर आप 15 साल के बाद जाते हो तो 30,000 के आसपास पेंशन बनेगा मिनिमम। अब ये आपके ऊपर चॉइस है, आप कब जाना चाहते हो, आप पूरा सर्विस करके जाना चाहते हो। देखिए किसी किसी का सबके अलग प्लान्स रहता है, लाइक वी आर प्लानिंग, आई एम प्लानिंग कि मैं 15 साल अभी 3-4 साल करके चला जाऊंगा, ठीक है। तो मुझे उसी हिसाब से मेरे बेसिक पे के हिसाब से पेमेंट मिलेगा। आप 32 साल किया, आपके उसी हिसाब से पेमेंट बनता था 1,10,000, उसके आधा कर लो, आधा से मतलब 47% के आसपास मिलता है ये, 47 के आसपास, ठीक है, परसेंट के आसपास। तो मान लो आपका 1,10,000 मिल रहा था तो आपको 55,000 या फिर 53,000 के आसपास पेंशन मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर देखिए मेरे हिसाब से अगर आपको पेंशन जाना 15 साल के बाद सबसे बेटर है, क्यों बताऊँ, 15 साल के बाद आप नौकरी करते हो, ये हो गया एक बंदा, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है, याद रखो कि सामने कुछ चीज़ें बताया था हमें, ठीक है। उससे पहले वीडियो अगर लाइक नहीं किया ना कर लो, ठीक है। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है आर्मी सर ऑफिशियल, ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हम डालते हैं वहाँ पर। देखो 15 साल हो गया एक बंदे का, आप मान लीजिए आप 15 साल सर्विस कर रहे हो, कंटिन्यू यहाँ पर कर रहे हो, मैं 15 साल के बाद पेंशन चला गया, मैं तो रुकूंगा नहीं भाई, कुछ भी बोलो, जाके ओडिशा में सेटल होना है, खाए पूए मस्त करो, सिविल लाइफ जीना है, ठीक है, हो गया बहुत। तो यहाँ पर देखिए आपने सर्विस की, आपके 60,000 पेमेंट है, मेरा 30,000 मिलेगा मैं पेंशन का, ठीक है। यहाँ पर मैं ओडिशा में जाता हूँ, वहाँ पर कहीं भी एक, जैसे मेरा गोल है कि मैं सिविल सर्विस ज्वाइन करूँ, ओडिशा का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अगर नहीं हुआ तो बैंकिंग ज्वाइन करना पहले, मेरे पास ऑप्शन ए एंड बी है, तीसरा मैं बिजनेस करूंगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने प्लान किया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए मेरे को 30,000 पेंशन मिल रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ इंडियन आर्मी के लिए, नथिंग कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे पेंशन मिल रहा है 30,000 के साथ में, मुझे CHD फैसिलिटी, ट्रैवल फैसिलिटी, मेडिकल ECHS फैसिलिटी, और चाहे उसके बाद HRA फैसिलिटी, सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। आप 60,000 में नौकरी कर रहे हो, कितने घंटे काम करना होता है आर्मी में, 18 घंटे काम करने होते हैं, 16 घंटे काम करने होते हैं, या 8 घंटे का जॉब नहीं है, बोल दो कि नहीं 8 घंटे बाद मेरे पास कोई काम नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, इंडियन आर्मी है, करना होगा, ठीक है। तो बाकी देखिए इसी हिसाब से 60,000 आप ले रहे हो, मैं इसी हिसाब से 30,000 ले रहा हूँ, बाहर से कोई 50-60,000 में कमा रहा हूँ, 70,000 कमा रहा हूँ, मैं 1,20,000 कमा रहा हूँ और सिविल लाइफ जी रहा हूँ 15 साल के बाद। देखिए देश सेवा के लिए हम आए थे, देश सेवा को हम पैसे से नहीं कर सकते, लेकिन हमने कर लिया उतना देश सेवा कर लिया जितना जरूरत है। अभी हमारी भी फैमिली बनेंगे आगे, हमारे भी पेरेंट्स होंगे, उनकी भी कुछ उम्मीदें होते हैं, हमारे एक जैसे बड़ा लड़का है, छोटा लड़का है, उनकी भी कुछ उम्मीदें हैं, और बिल्कुल सही है, हमें भी उनकी मदद करना चाहिए। अगर ओल्ड एज के टाइम पे हम अगर वहाँ नहीं रहे क्या फ़ायदा, जो भी हम है, जो जितना भी कमाते हैं उन्हीं की बदौलत है, ठीक है। अगर उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया नहीं होता अच्छे जगह पे, अच्छे स्कूल पे, जितना भी हुआ उनसे उन्होंने किया, उनकी बेस्ट दिया, अगर नहीं किया होता ना मैं एक यूट्यूबर बनता, ना आपको समझाता कुछ चीज़ें, आर्मी में आता, बहुत सारे कोर्सेज किया होता, इतनी क्वालिफाइड होता, जो चीज़ें जो भी है, जो भी मिला है, उन सब बदौलत उनकी है, ठीक है। उन्होंने सब कुछ किया तब जाके हम यहाँ पहुँचे, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम अपनी जो देश की सेवा करके जाएंगे और अपनी जो पेरेंट्स हैं, फैमिली है, उनको खुश रखेंगे और उनकी सेवा करेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से वो अलग अलग थिंकिंग होता है। अगर मेरा आप सब्सक्राइबर है, स्टूडेंट है, भाई मानते हैं, तो मेरे लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, डोंट गो फॉर ए रैंक की सूबेदार मेजर बनूंगा 32 साल में, 28 साल में, देन योर लाइफ इज कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा ना। आप सोचो ना, अगर 20 साल में आप भर्ती हुए हो, 32 ईयर्स सर्विस आपने किया, सूबेदार मेजर से पेंशन गया, आपको 60,000 पेंशन मिल रहा है, ओके, आपका कितनी साल सर्विस हो गया, आप मतलब कितनी एज हो गया, देखिए 30 से ऐड कर लीजिए, 52 का एज में आप पेंशन गए, ठीक है। और मैं वहीं पर 20 साल वर्ती हुआ था 15 साल, यानी 35 साल के 34-35 में चला गया मैं, मान लो आप में और मेरे में कितनी डिफरेंस रहेगा, मैं लाइफ जीऊँगा। पैसा तो चाहे देख लो, आप लोग 50,00,000 कमा लो या 50 करोड़ कमा लो, पैसा कभी कंप्लीट हुआ नहीं, क्रेडिट कार्ड के बिल पेंडिंग रहता है हर महीना, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, 15 साल नौकरी करो, देश की सेवा करो, ईमानदारी के साथ काम करो, सीखो, 15 साल में छोड़ो, 16 साल में छोड़ो, जाइए अपने घर, खुश रहिए, एक सिविल लाइफ जिए, क्योंकि हमने तो लाइफ देखा नहीं यार, हमने कहाँ देखा बताओ। मैं 18 साल से भर्ती हो गया था, 17 साल 7 महीने में भर्ती हो गया था, ठीक है।
कुछ नहीं, कुछ 18 साल के आसपास भर्ती हुआ था, ठीक है। तो आप सोचो हमने क्या देखा लाइफ में, कुछ नहीं देखा, ठीक है, सिर्फ पैसे कमाया, देश की सेवा किया और घर घर वगैरह देखा, उनकी खुशी देखा, हम अपने लिए कुछ नहीं किया, ठीक है, बस कुछ कपड़े खरीद के पहने हैं और कुछ नहीं है। इसलिए जो टाइम मिलेगा 33-34 में हम पेंशन चले जाएंगे, तो उसके बाद क्या थोड़ा सा लाइफ मिलेगा, जियेंगे, थोड़ा सिविल लाइफ को भी जियेंगे, देखेंगे भाई क्या होता है सिविल में, थोड़ा सा वो जीना चाहिए, ठीक है। एक ही लाइफ है, पता नहीं अगले जन्म में क्या पैदा होकर आएंगे उसको पता नहीं, ठीक है। इस जन्म में आए हैं तो सबसे बेटर ऑप्शन यही है, आपकी नौकरी पूरा हो जाता है, आप नर्सिंग असिस्टेंट आए चाहे सिपाही फार्म आए, आप 15 साल में पेंशन जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कोई 15 साल में देता नहीं है, क्योंकि आपकी एमसी कोर में आते हो, आपको 20 साल के बाद पेंशन देते हैं, लेकिन 15 साल में आप जा सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट में बताना, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में दोस्तों, जय जगन्नाथ, जय हिंद।